सोमवार को आए भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया में करीब 4000 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिनमें दबकर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। WHO के वरिष्ठ अधिकारियों का अनुमान है कि इस भूकंप ने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है और भारत समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसी श्रृंखला में आज शहर के नूरी महफिल बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर द्वारा मदद के तौर पर खाने की चीजें, दवाइयां, कंबल आदि सामान का पहला जत्था तुर्की रवाना किया गया। जो हमारा आज का जो ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर में जो तुर्की के अंदर में अभी आपने देखे 2-3 दिन पहले बहुत जलजला आया है, उसके अंदर में काफ़ी लोग 19 से 20,000 लोग के करीब करीब मौत हो चुकी है। तो ये न्यूज़ आप सभी को, सभी लोग जानते हैं। तो हुआ ऐसा है कि हर कंट्रीज़ के लोग कहीं ना कहीं से इमदाद वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो नागपुर शहर के अंदर में नूरी महफिल एक ऐसी यानी एक्टिव तंजीम है जो इस तरीके की जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ कुछ होती है वर्ल्ड के अंदर में, तो उसके अंदर में जो भी पैकेजेस है या फिर कोई भी यानी अपना इमदाद वगैरह पहुंचाने का काम जो है नूरी महफिल हमेशा करते आई है। तो आज भी जो हम लोग जमा हुए हैं, इसके अंदर में हमने जो पैकेज के अंदर में खाने का सामान, गर्म कपड़े, जो वहाँ पर ठंडी वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने जमा किए हैं। और खाने के पैकेज के अंदर में पूरा पैकेज हमारा यहाँ पे ट्रक छोटा सा रखा हुआ है, इसके अंदर में हम लोग पहले जो फर्स्ट वाला जो हमारा जत्था है वो हम लोग आज पहुँचा रहे हैं। इसके अंदर में क्या होगा कि हमको और भी चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ेंगी और नूरी महफिल को जो है ना और भी इमदाद की भी ज़रूरत पड़ने वाली आगे। तो हम लोग का ये सभी से एक बहुत एक मैसेज है कि नूरी महफिल को हमको यहाँ पर डोनेट करें और आने वाले दिनों में जो है ना वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत लोगों को पड़ेंगी, तो आप लोग सपोर्ट करिए। जैसे कि सभी को मालूम है तुर्की, शाम, लेबनान वगैरह में जिस तरीके के जलजले वगैरह आए हैं और जिसमें लाखों लोग बेघर हुए, हज़ारों की तादाद में लोगों की जान गई है, इसी को देखते हुए नूरी महफिल बहुउद्देशीय संस्था की जानिब से आज दरबारे सरकार ताजुल औलिया में सारे देशों के लिए दुआ रखी गई है, इज्तिमाई दुआ। इसके बाद दुआ के बाद यहाँ से राहत सामग्री का फर्स्ट स्टॉक हम लोग जिसमें तुर्की भेज रहे हैं, ये हैदराबाद की एम्बेसी से होते हुए आज रात में रवाना होगा, जो इंशाल्लाह कल या परसों तुर्की पहुंच जाएगा। इसमें बच्चों के लिए वेफर्स, बिस्किट्स, मेडिसिन के अलावा इसमें सारी चीज़ें हैं। साथ ही हम लोग तुर्की गवर्नमेंट को, हम लोग नूरी महफिल के मातहत लेटर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को मिनिमम 26 लोगों का रेस्क्यू टीम का एक आप हम लोगों को एक परमिशन अलॉट करें, जिसमें हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी हम लोग लीगल वे से उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारी रिलीफ टीम तुर्की में जाके ये रेस्क्यू वर्क के लिए तैयार है।